तो चलिए अब योगा करते करते लेकर चलते हैं आपको रीना अग्रवाल के पास। वेल, रीना का तो हो रहा है कुछ हटके डे आउट, क्योंकि ये तो पहुंची है एक हेयर स्पा में जहां हो रही है इनकी ढेर सारी पैम्परिंग, और उसके बाद ये कर रही है पिज्जा पार्टी, वो भी अकेले अकेले। रीना, दिस इज नॉट फेयर। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधा इनके पास और देखते हैं ये स्पेशल वाला डे आउट। वेदिका संग एक दिन। रीना अग्रवाल संग सैर सपाटा। प्रिया की सौतन संग स्पा डे आउट। बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 की वेदिका यानी कि रीना अग्रवाल संग। आज सास बहू और बेटियां बिताएगा पूरा एक दिन, लेंगे यमी यमी फूड का मजा, चलेंगे सलों, करेंगे हेयर स्पा और ढेर सारी मस्ती। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डे आउट की और मिलते हैं रीना अग्रवाल से। ऑफ डे है और रीना हमारे साथ है। रीना, तो ऑफ डे के दिन रीना क्या करती है, कितना मस्ती, कितना धमाल, क्या खाती है, क्या पीती है, कैसे अपने आप को पैम्पर करती है रीना? यार, मस्ती धमाल तो हमेशा नहीं होता है ऑफ डे वाले दिन, होता है लेकिन कभी कभी होता है, बट आई प्रेफर टू रिलैक्स ऑन माई ऑफ डे, तो आज वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे। दिस रेस्टोरेंट आई हैव कम फॉर माई ब्रंच एंड उसके बाद मैंने प्लान किया है टू गो फॉर सम स्पा सेशन। सो यहाँ पे ब्रंच व्रंच करने के बाद में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद आप लोगों के साथ विल गो अहेड विद द स्पा थिंग। सो दीज आर फ्यू थिंग्स आई थिंक हम सब एक्टर्स, सब आर्टिस्ट लोग अपने ऑफ डे पे प्रेफर करते हैं टू पैम्पर आवर सेल्व्स एंड दैट इज व्हाट इवन आई एम गोइंग टू डू टुडे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इस रेस्टोरेंट में जहाँ पर रीना लेंगी इस यमी यमी पिज्जा का मजा। तो हम लोग आज जो आए हैं इस जगह पे, दिस प्लेस इज़ कॉल्ड जलवा एंड यू कैन जस्ट टर्न अराउंड योर कैमरा, आई विल शो यू अराउंड। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैफेज टू कम फॉर माई ब्रंच और इफ़ आई हैव टू कम ओवर डिनर और जस्ट टू हैव फ्यू ड्रिंक्स विद माई फ्रेंड्स। एंड इस जगह की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि इट्स वेरी वाइब्रेंट। आप देखोगे इतनी प्यारी प्यारी लाइट्स हैं, देव यू नो put some really nice beautiful frames over there. It's like a statement kind of a thing and the lighting and these lights, the wallpapers and everything, it's so beautiful. And यहाँ पे आके आप बहुत सारे अच्छे selfies भी क्लिक कर सकते हो। लड़कियाँ आई थिंक enjoy that a lot. So it's a beautiful spot too. Every corner is designed in such a beautiful way. Just breathe and let it go. That's such a cute message over there on that wall. I think off day pe we always look forward to spend good time, quality time with ourselves and with friends or family. So achhi jagah milna bahut easy, bahut important hota hai uske liye. And that's why I preferred this place for my brunch today, because it's very lively. If you cover the outside section, it's beautiful, and under bhi it's very mesmerizing. Like every corner is so beautiful and designed in such a way ki aapka, you know, you can just spend hours over here and you will not get bored of the visuals. Chalo, let's have a seat and order something nice to eat or to drink. This is something I prefer today, to sit like tall and nice.
ये मेरी रिफ्रेशिंग गुआवा ड्रिंक आ गई है एंड हियर इज माय पिज्जा एंड दिस पिज्जा इज कॉल्ड जलवा विज पिज्जा जलवा विज पिज्जा जगह का नाम भी जलवा है और पिज्जा का नाम भी जलवा है और इसको खाते हुए मैं जलवे बिखेर गई थैंक यू फाइनली मेरा ब्रंच खत्म हो गया है एंड आई एम फीलिंग अ बिट रिलैक्स्ड ऑल्सो पेट पूजा हो गई है नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू पैम्पर माई सेल्फ विद स्पा आई विल पैम्पर माई हेयर टुडे स्पेशली सो लेट्स गो अहेड विद दैट भाई पेट पूजा तो हो गई और अब बारी है खुद को पैम्पर करने की भाई दिन रात तो एक्टर्स खासी मेहनत करते हैं शूटिंग करते हैं लेकिन जब ऑफ डे मिलता है तो ये चाहते हैं खुद को रिलैक्स करना और इसीलिए रीना पहुंच गई हैं इस सैलून में करवाने हेड मसाज और हेयर स्पा तो पैम्पर करने की बारी अब आ गई है स्पा के अंदर और हम है कहाँ आ गए हम लोग नेल आर्ट स्टूडियो सो हालांकि मैं नेल आर्ट नहीं करने वाली हूँ यहाँ पे बिकॉज दैट्स ऑलरेडी बीन डन आई हैव कम हेयर फॉर माई हेयर स्पा एंड आई थिंक फाइनली आई एम गोना एंड माई डे विद अ नाइस हेयर स्पा विच इज़ गोइंग टू मेक मी एब्सोल्यूटली रिलैक्स एंड देखते हैं हम लोग कैसे करने वाले हैं वो लोग क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली सो लेट्स गो इनसाइड ऐसे कितना टाइम मिल पाता है खुद के लिए टाइम तो हो जाता है मैनेज ऐसी बात नहीं है लेकिन हाँ जब शूट चल रहा होता है और जब ज़्यादा दिन ब्रेक नहीं मिलते तो यू ऑलवेज फील लाइक यू नीड एटलीस्ट वन डे ऑफ कम्प्लीटली फॉर योर सेल्फ तो आज वो दिन है जिसमें मैंने एक अच्छी जगह पे जाकर आई जस्ट वांटेड टू गेट आउट ऑफ माय हाउस एंड हैव ब्रंच खाना मुझे अच्छा खाना बहुत पसंद है मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है मुझे अलग अलग नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है एंड जब आप बाहर जाते हो तो आपको वो सारी चीज़ें करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है सो इसीलिए मुझे आज हमेशा आप घर पे रिलैक्स करना चाहते हो ऑफ डे पे बट टुडे आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट इसलिए मैंने अपना ब्रंच जलवा में वहाँ उस रेस्टोरेंट में रखा और फॉर माय हेयर आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन दिस इज़ द बेस्ट प्लेस सो आई हैव कम हियर एंड लेट्स सी हाउ इट गोज टू बी हियर सम डे बिकॉज आई कम to this market obviously very often and finally aaj chance mila so I thought I'll do some hair spa or some hair treatment mainly hair spa I think so what do you suggest like what all services do you have for hair you can go with the hair spa some nail I've already done nail I've already done so I think for that we can keep for next time okay or, today hair spa ke liye hair spa ke alawa kuch aur Not today, maybe some other no day. Nails, no at least gel paint. This is freshly done, just like 5 days ago. Okay, fine. Then start with. ठीक है, so ये राश्री है, she's the owner of the place, and इनके साथ में आज मेरा treatment, not treatment, it's more like a relaxation process for your scalp and for your hair. तो भाई हेयर स्पा के लिए लगाई जाती है एक स्पेशल क्रीम जिससे आपके बालों को मिलती है चमक और बाल दिखते हैं एकदम फ्रेश
ओके सो आई जस्ट गॉट माई हेयर वॉश एंड इसके बाद में अभी व्हाट्स योर नेम फरीद सो फरीद ने बहुत अच्छा हेयर वॉश दिया है मुझे अभी और अभी हम लोग एप्लीकेशन करने जा रहे हैं हो रहा है ऑलमोस्ट हाफ वी आर हाफ वे थ्रू जो स्पा प्रोडक्ट है वो उसकी एप्लीकेशन चल रही है और इसके बाद में मुझे मिलने वाली एक अच्छी सी मसाज दैट्स गोना बी द बेस्ट पार्ट आई लव हेड मसाज तो बहुत मुझे ऑलरेडी इतना अच्छा लग रहा है ना अभी जो अरोमा है इस जगह का और वॉश के बाद में मैं ऑलरेडी इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ सो जस्ट इमेजिन जब वो मसाज मिलेगी तो उसके बाद में क्या होने वाला है इसके बाद होती है हेड मसाज और ये पार्ट रीना का फेवरेट पार्ट है वॉश के बाद पूरा हुआ हेयर स्पा और देखिए रीना हो गई है एकदम रिफ्रेश रीना से ही जानते हैं कि कैसा रहा उनका ये पैम्परिंग सेशन बहुत अच्छा रहा यार आई एम फीलिंग सो गुड और जो हेयर स्पा का सेशन था उसमें मसाज वाला पार्ट था दैट वाज द बेस्ट पार्ट एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि मसाज वाले पार्ट का वेट करना क्योंकि वो सबसे अच्छा पार्ट होता है एंड आई वॉन्ट टू स्पेशली से थैंक्स टू फरीद जस्ट फरीद यू वर टू गुड यू डिड अ वंडरफुल जॉब बहुत मज़ा आया मुझे एंड आई एम एब्सोल्युटली रिलैक्स राइट नाउ एंड थैंक यू सो मच राजश्री
Your place is beautiful. Everything about this place is awesome. Thank you. In fact, there are few other things जो इनका nail art का भी मैंने देखा कि एक specialized service है यहाँ पे. कौन सा वाला था मेरा favorite? जो see this. This is so pretty. I have never seen something like this ever anywhere else. And Rashri ko main bata rahi thi ki is baar mere nails to already hue hue hain. And next time jab main yahan pe aaungi to I'm going to get this one done for sure. It's beautiful. Yeah, so please come next time. Absolutely. To dekha aapne apne chutti ke din ye actors khud ko kaise pamper karte hain, kyunki relax hona bhi to zaruri hai na. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.